हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअली रियल। एज़ यू ऑल नो, हमारी वर्ड मीनिंग सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको हर एक वर्ड के मीनिंग बताए हैं जो कि मुझे लगा के पर्सनली ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे बताने चाहिए। क्या पता शायद उनमें से आपको कुछ पता हो और कुछ नहीं। सो मैंने सभी कवर किए हैं। इस पर दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस आ रही हैं जिसमें शॉर्ट वीडियो में करेक्टर सीरीज की तरह ही सिर्फ वर्ड के मीनिंग दिए जाएंगे एंड लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा उसको डिटेल में भी समझाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट पोएम का हमने स्टार्ट किया है माई मदर एट 66। सो मैंने अबाउट द पोइट में से एक वर्ड लिया है सबटल्टीज। सबटल्टीज होता है डेलिकेट, अल्ट्रा फाइन, कितना ज़्यादा कुछ प्रिसाइज जो कि डिफ़िकल्ट है समझ पाना। तो यहाँ पे हमारी लाइन क्या है, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हमारी ऑथर है कमला दास, वो एक सेंसिटिव राइटर है और वो अपनी राइटिंग्स में क्या कैप्चर करती है, कॉम्प्लेक्स सबटल्टीज को, ह्यूमन रिलेशनशिप के डीप जो डेलिकेट अल्ट्रा फाइनली उनको एनालाइज कर पाना जिनको मुश्किल है, वो कॉम्प्लेक्स सबटल्टीज मैटर्स को वो क्या करती है, कैप्चर करती है किसमें, लिरिकल ईडियम में, मीन्स एक लिरिकल फॉर्म, मीन्स पोएम की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डॉज। तो डॉज मीन्स अ लाइट स्लीप, जैसे हम हल्की सी कहते हैं ना झपकी लग जाती है, तो डॉज का मीन्स वो। तो जब उसकी मदर उसके साथ जा रही थी एयरपोर्ट को, तो वो कार में उसकी थोड़ी सी झपकी लग गई, वो डॉज थी। नेक्स्ट इज एशन, मीन्स वेरी पेल। हमें पता है ऐश का मतलब क्या होता है, राख होती है ना जो डेड बॉडीज को जलाने के बाद बच जाती है, या ऐश कोई भी कुछ भी चीज़ जलाने के बाद, पेपर को जलाने के बाद बच जाती है राख। तो एशन वेरी पेल मीन्स ना डलनेस ही शो कर रहा है ये वर्ड, डल, वेरी पेल। एंड नेक्स्ट कॉप्स, कॉप्स होता है एक डेड बॉडी, स्पेशली ह्यूमन की डेड बॉडी, क्योंकि जो एनिमल्स की डेड बॉडी है उनको कारकस बोलते हैं, तो कॉप्स मीन्स अ डेड बॉडी। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रही थी कि जब मेरी मदर सोई हुई थी, मीन्स डॉज ऑफ थी, उसका माउथ ओपन था और उसका फेस कैसा लग रहा था, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मीन्स ऐसे लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का फेस पीला नहीं पड़ा जाता, मीन्स डल सा हो जाता है, मीन्स ऑफ कोर्स वो डेड है, मीन्स उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मदर का फेस काफ़ी डल हो चुका है, पेल हो चुका है। नेक्स्ट इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है, फास्ट रन स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मीन्स तेज़ी से भागना बट कुछ डिस्टेंस के लिए, ऐसे नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम भाग रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट फास्ट रेस। यहाँ पे हमारे ट्रीज क्या थे, स्प्रिंट कर रहे थे, मीन्स कार में ऑथर बैठी थी, जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे ट्रीज क्या थे, पीछे को स्प्रिंट करे जा रहे थे, मीन्स भाग ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था बट एक्चुअल में नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज स्पिलिंग। हम एक ईडियम बोलते हैं, वाई टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीन्स अब पछताए होत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें ना तो चिड़िया आई ना खेत आया, इंग्लिश में तो हमारा दूध ही आ गया, मिल्क। तो उसका मतलब थोड़ा ईडियम का मतलब समझाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि क्यों पछताना डूले हुए मिल्क पर, अब डुलना स्पिल होना। तो यहाँ पे स्पिल, मैरी चिल्ड्रन स्पिल, क्या बच्चे डुल सकते हैं, नो, मीन्स वो कम आउट हो रहे थे अपने घर से, तो स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। नेक्स्ट वर्ड इज वेन, मीन्स कलरलेस, ऑफकोर्स पेल के जैसा ही कलरलेस हुआ पड़ा था उनका फेस, कैसा, लेट विंटर मून की तरह, मीन्स लेट विंटर मून कैसे एकदम सा ग्रेश सा हो जाता है, मीन्स उसमें ना ब्राइटनेस नहीं रहती फेस पर, उसके मून के फेस पर, मून के सरफेस पर, तो वैसा हुआ पड़ा था। एंड एक मीन्स पेन, हम बोलते हैं ना मेरा हेडेक हो रहा है, पेन। एंड नेक्स्ट इज वर्ड अम्मा, विच इज़ यूज्ड बाय आर पोइटेस टू एड्रेस हर मदर। तो अम्मा एक इंग्लिश वर्ड तो नहीं है बट इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर मदर। सो विद दिस हमारे वर्ड मीनिंग्स ओवर हो चुके हैं। आई होप मैंने हर एक वर्ड मीनिंग कवर कर लिया हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ आ रहे हो, बिकॉज मैंने कुछ चूज़ किए थे, बाकी तो ना मतलब ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं, बाकी तो सिंपल से हैं, ट्रीज क्या, सिक्योरिटी चेक किया, ये तो हमें पता ही है। सो मुझे जो लगा पर्सनली वो मैंने चूज़ करके आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग जानना है, उसकी डिटेल में समझना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आई होप आपको मेरे न्यू आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे, जैसे मैंने करेक्टर सीरीज शुरू की है, वर्ड मीनिंग सीरीज शुरू की है, तो जिससे आपको और डिटेल में चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएंगे।
पोइम्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे, मीन्स आपका लिटरेचर पार्ट स्ट्रांग बनेगा। मेरा मोटिव तो यही है। सो विद दिस हमारा ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ओके बाय।